सबब यदि बढ़ जाएंगे तो डीकंजेशन का प्रॉब्लम सफल हो जाएगा। जो हमें आज जो सता रहा है कि सब लोग बम्बे में फोर्ट में आते हैं काम करने के लिए, ट्रैफिक जाम हो रहा है, अभी मेट्रो करेंगे तो मेट्रो से भी लोग आ जाएंगे, तो कहाँ पे हम रुकेंगे? तो लोगों को अफोर्डेबल गुड हाउसिंग सब में होनी ज़रूरत है। इसके वजह से मैं धन्यवाद देता आदित्य कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड मैनेजमेंट, ये इनिशिएटिव लिया और ऐसा एग्जीबिशन उन्होंने मैनेज किया। कितना फ़ायदा होता है कंज्यूमर को जब इस तरह से एग्जीबिशन? कंज्यूमर को कई बात की पता ही नहीं होती प्रोडक्ट की। कंज्यूमर जो आप लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं उसे बह के जाते हैं, कुछ भी लेते हैं, एक्चुअली इज कॉल्ड द सीइंग एंड बिलीविंग इन द मैनेजमेंट। बिजनेस सबको करना है लेकिन लोग को देख के चुनना होना चाहिए। जैसे अभी अपार्टमेंट बनाते, अभी एक मॉडल फ्लैट बना रहे, लोगों से कल्पना आ जाती है बाबा क्या रूम है, बेडरूम साइज़ क्या है, बेडरूम बेड रखने के बाद जगह रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये बात है। तो इट हेल्प्स। प्रॉपर्टी ऐसे एक बात है कि नॉर्मल इट वर्क्स ऑन द हाउ मच स्टॉक यू हैव। सो टुडे राइट नाउ वी आर स्लाइटली एक्सेसिव स्टॉक, सो मार्केट करेक्शन आदर हो जाए तो सेल हो जाएगा, नहीं तो टाइम इज़ द ओनली हीलर। ये दोनों ही बात है, अदरवाइज इट विल नॉट इम्प्रूव। कंपनी को सबको फ़ायदा होगा, मेट्रो से कम्युनिकेशन बढ़ जाएंगे। लेकिन बात ऐसे, मेरी दुबई में लास्ट 50 बरस से प्रैक्टिस है, वहाँ पे मेट्रो आई, हमें लगा मेट्रो होने से ट्रैफिक में काफ़ी इजी हो जाएंगे, अभी मेट्रो भी भर गई और ट्रैफिक वैसा भी वैसे है, तो लोगों को आदत लगी। आंसर यही है कि डीकंजेशन होना, दूसरे सिटीज़ करना, सिटी के बाहर जाना। थैंक सर। ये 3 दिन का बोरीवली, हिंदी में बात करनी है, तीन दिन का बोरीवली डिज़ाइन फेयर जो है उसकी शुरुआत हमारे इंटरनेशनल डिज़ाइन कंपटीशन के अवार्ड सेरेमनी से हुई, जब हमें देश विदेश के बहुत सारे डिज़ाइन की एंट्रीज आने लगी तो उसका हमने एग्जीबिशन का उसका स्वरूप आया। एग्जीबिशन हम को देखने के लिए हमने बाहर की कम्युनिटीज़ को भी इन्वॉल्व करना चालू किया। जैसे कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ने लगी, उसके साथ साथ क्रिएटिव कल्चरल वर्कशॉप्स, इंडस्ट्री, एवरीथिंग अंडर वन रूफ का एक उसका स्वरूप तैयार हो गया, जिसको हमने एक अम्ब्रेला के तौर पे बोरीवली डिज़ाइन फेयर, सो दैट बोरीवली के जो लोग हैं एक नए तरीके से डिज़ाइन से जुड़ जाए, उनकी छोटी छोटी लाइवली जो डिज़ाइन के प्रति उनकी जो सेंसिटिविटी है उसको हम एक रूप के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि काला घोड़ा फेस्टिवल जैसे साउथ मुंबई में है, जैसे हम यहाँ पे एक तरीके का नया माहौल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, ये तीनों एक रूफ के अंडर आते हैं, इसलिए हमने तीनों का एकत्रित ऐसा स्वरूप इसको देने की कोशिश की है। तो बहुत सारे प्रतियोगिताएं हैं, वर्कशॉप्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, करियर्स एंड मैनेजमेंट सेमिनार भी है, सो एवरीथिंग अंडर वन रूफ। और धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा, एक साथ आएगा तो ये एक फेस्टिवल और फेयर ही हो जाएगा। इसकी बहुत ही हॉरिजॉन्टली लैटरल एज वेल एज इन डेप्थ मार्केटिंग हुई है, जैसे कि मीडिया है, आप लोग यहाँ आए हैं, होर्डिंग्स लग चुके हैं, डिजिटल मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी हमारी। लास्ट 6 मंथ से हम लोग अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप, इवन इंडस्ट्री ग्रुप्स को भेज रहे हैं। MCHI के आने का भी एक उसका एक महत्व था। उसके साथ साथ PETA, IIA, IIID, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके अंदर हजारों आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, प्लानिंग, टाउन प्लानर्स उनके मेंबर्स है, उनको भी हमारा सपोर्ट है। इसलिए इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली और इन डेप्थ बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग इसकी हुई है। और जैसे ही साल ब साल बढ़ जाएंगे, अपने आप लोग वर्ड ऑफ माउथ से भी इसको आ जाएंगे। हमारे स्टूडेंट ने, फैकल्टी ने और सर ने भी काफ़ी पर्सनल लेवल पे भी लोगों को यहाँ बुलाया है। प्रेशर मुझे आता ही नहीं किसी भी काम में, मैं प्रेशर नहीं लेता हूँ, मैं खुशी खुशी हर काम को करता हूँ। आने वाले टाइम में मतलब हर साल ऐसे एग्जीबिशन चलेगा? यस, अनवरत हर साल होएगा, हर साल होएगा। और जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे ये इवेंट्स और अच्छा होता जाएगा। अभी हमने बोरीवली लेवल पर किया है, फिर मुंबई लेवल पर करेंगे, उसके बाद वर्ल्ड लेवल पर करेंगे, इसकी ऊँचाई बढ़ाते रहेंगे। हाँ जी, डिज़ाइन नहीं,
मेरा जीएसटी के बारे में, हाँ मैं इवेंट के बारे में बता रहा हूँ। ये डिज़ाइन जो होता है, डिज़ाइन इज़ फॉर एवरीवन। ये आर्किटेक्ट्स के लिए होते हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए भी होते हैं, इंडस्ट्री लोग। और आजकल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज़ डिज़ाइन थिंकिंग, जो मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी इस में शामिल है। और एक सेशन जो है जिसमें मैं सब स्टूडेंट्स को भी या प्रोस्पेक्टिव MBA स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहा हूँ, कल सैटरडे 2 से 4 बजे करियर्स इन मैनेजमेंट, अलग अलग करियर्स इन मार्केटिंग, करियर्स इन फिनेंस, करियर्स इन पेमेंट सिस्टम्स, करियर्स इन एनालिटिक्स, उस पर इंडस्ट्री के लोग हम बुला रहे हैं। और मैं इनवाइट कर रहा हूँ सबको उनकी जानकारी के लिए क्या क्या मैनेजमेंट करियर्स हैं आजकल। मेरा सवाल आपसे है, जीएसटी का क्या असर आया है मार्केट पे, प्रॉपर्टी मार्केट पे जीएसटी का क्या असर आया है? नहीं, जीएसटी और प्रॉपर्टी सेल का कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी भी बताया कि जो मार्केट में जो प्रोड्यूस हुआ है, जो कमोडिटी आई है वो ज़्यादा आई है, और जो उसका बायर है, टेकर्स है, वो कमती है। तो जब भी ऐसा हो जाता है तो ऑलवेज डिस्पैरिटी हो जाती है। एक थोड़ा टाइम रहेगा मेरे ख्याल से 2-3 बरस थोड़ा सा मार्केट में, और डिप्रेशन आ गया है काफ़ी वक्त, 1983 में आ गया है, फिर अर्ली 90s में आ गया है, अर्ली 20s में आ गया है, अभी भी आया है थोड़ा। फिर आगे जो पॉपुलेशन है अपना इंडिया का, वो तो इतना बड़ा है, ह्यूज है, अब कहाँ भी कुछ भी करो लोग लेने वाले हैं।